हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अपने ब्लॉग के लिए या वेबसाइट के लिए डोमेन कैसे बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप मुझे फॉलो करते जाइएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले हमें गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में हमें सर्च करना है GoDaddy.com। आप चाहे तो फ्री नोम से ही बाय कर सकते हैं, मैं GoDaddy प्रेफर करूंगा। यहाँ पर हम आ गए। अब इसे यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आ रहा है साइन इन का ऑप्शन। साइन इन भी हम कर सकते हैं, तो हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें साइन इन हो जाना है। जैसे हम साइन इन में प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए न्यू कस्टमर रजिस्टर। तो हम न्यू कस्टमर, तो हम क्रिएट माई अकाउंट, इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जीमेल ईमेल मांगेगा। ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड हमें ये सब फिल करनी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम इसमें साइन इन रजिस्टर हो गए। तो अब यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर ये सर्च बार आ रहा है, यहाँ पे हमें सर्च करना है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। तो हम यहाँ पर कोई भी नेम लिख के, अपनी वेबसाइट का नेम लिख के डोमेन डाल देंगे। तो जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट का भी URL ही डाल देता हूँ। यहाँ पर व्यू ब्लॉग में हमें वेबसाइट का URL मिल जाएगा, ब्लॉग का। यस का नेम मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे जाके हम मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। इसका फ्रेंड्स, ये हम blogspot.com को कर देंगे रिमूव। अब जो हमें डोमेन चाहिए उसे हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये हमारा वेबसाइट ब्लॉग का नेम है, और डॉट जैसे मुझे चाहिए .in या .com। तो .com मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको वही फिल कर देना और सर्च में हम क्लिक करेंगे। पहले हमें देखना पड़ेगा ये अवेलेबल है कि नहीं। जैसे हम इसे सर्च करेंगे, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉगिंग का फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। नीड हेल्प कॉल आर अवार्ड विनिंग, ये एड आ रहा था। इसका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अवेलेबल है, ये लिखा हुआ है giveaway.com is available। ये मेरे ब्लॉग का नेम है और .com मैंने मुझे डोमेन बाय करना है। इसकी ये कॉस्ट फॉर फर्स्ट ईयर विद अ 2 ईयर रजिस्ट्रेशन। तो हम इसे बाय कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको दूसरे डोमेन्स चाहिए तो हम नीचे देख सकते हैं। ये आपको और डोमेन दिखा रहा है .xyz.club.tech.co.online.uk, ऐसे ये कई दिखा रहा है। जैसे मुझे यही वाला बाय करना है तो मैं इसमें क्लिक करूंगा। ये देखिए डोमेन अवेलेबल है ये। अब हम इसे ऐड टू कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है ऐड टू कार्ड, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने का फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये ऐड हो गया है हमारे कार्ड पे। वन डोमेन सिलेक्टेड, कंटिन्यू टू कार्ड हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने हमें थोड़ा वेट करना है। फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉगिंग का फुल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बनाया है, आप प्ले लिस्ट जरूर देखेगा। आपको फुल ट्यूटोरियल में बताऊंगा स्टार्टिंग टू एडसेंस मोनेटाइजेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये सिलेक्ट प्लान, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, अल्टीमेट प्रोटेक्शन। अगर आपको ये सिलेक्ट करनी हो, मैं आपको प्रेफर सजेस्ट करूंगा कि आप ये जरूर करें, लेकिन अभी मैं नो थैंक्स कर देता हूँ। आप चाहे तो नो थैंक्स कर सकते हैं। और ये ईमेल के लिए भी यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, इसका अगर आपको चार्ज नहीं देना है तो आप नो थैंक्स कर सकते हैं। और ये नो थैंक्स है ही वेब होस्टिंग के लिए, क्योंकि वेब होस्टिंग हमने प्रीवियस वीडियो में बाय कर ली थी। आप चाहें तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसे देख सकते हैं। वेब होस्टिंग बाय करना इम्पोर्टेंट है, इसकी हेल्प से हमारी ब्लॉग वेबसाइट गूगल सर्चिंग में आती है। तो ये आप देखिए, हम कंटिन्यू टू कार्ड में क्लिक करेंगे, थोड़ा हमें वेट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके स्टेप्स स्टार्ट हुआ है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन, पेमेंट कंप्लीट, ये 4 स्टेप्स हैं। तो ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल करनी है। कंट्री नेम, ये नेम इसने ऑटो फिल कर दिया है। यहाँ पे आप नेम फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे पोस्टल कोड, स्टेट, सिटी वगैरह हमें फिल करना है। और ये हमारा टोटल इंडियन रुपीज में कितनी कॉस्ट है डोमेन की। और यहाँ पर इसके बाद हम पेमेंट इन्फॉर्मेशन करेंगे और फिर कंप्लीट कर देंगे। इसे कंप्लीट करना है फ्रेंड्स, इसे अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर, जब हम कंप्लीट कर देंगे तो ऑप्शन आएगा मैनेज योर डोमेन, उसमें हम क्लिक करेंगे। तो ये इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ऑटो इनेबल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका
ये ऑटोमेटिकली ही रिन्यू हो जाएगा जब ये एक्सपायरी होगा। आपको इसकी देख लेनी है टाइमलाइन, कितने टाइम के लिए ये मंथली ईयरली होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये लिखा हुआ है देखिए, 2 इयर्स, फर्स्ट ईयर 199, 2 प्लस ईयर 1049, 40% ऑफ, ये 2 इयर्स के लिए है। हम इसकी ड्यूरेशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा पेमेंट भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से डोमेन बाय कर सकते हैं।